अब इन आयात में अहले जहन्नम के लिए जो बदतरीन सजाएं हैं अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहा है कि दुनिया में जब इनको इस तरह हलाक किया जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब दुनिया के अजाब पर बात ख़त्म हो गई, बल्कि आगे अजाब के नए नए जहान हैं। उनके आगे एक ऐसा माहौल है कि जहाँ उनको पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं होगा। पीने का पानी इंसान की आम ज़रूरत है और पानी के बगैर इंसान का रहना महाल है। अहले जहन्नम को पानी दिया जाएगा लेकिन वो कोई ऐसा पानी नहीं होगा, बल्कि कुरान करीम के दीगर मकामात पर उसकी तशरीह है, उसकी वजाहत मौजूद है कि अहले जहन्नम के ज़ख्मों से जो रिसने वाला पीप होगा वही जहन्नमियों को बतौर मशरूब के पेश किया जाएगा, और ऐसा गर्म होगा कि जिसको पीने के बाद उनकी इंतड़ियाँ तक टूट कर कट कर बाहर आ जाएंगे। अलायाज़ु बिल्ला। तो इस किस्म का अजाब उनके लिए जहन्नम में मौजूद है। वयुस्काम मा इन सदीद, और उसे पीने का पानी पिलाया जाएगा। यतजर्रहु, वो उसे घूंढ घूंढ करके पिएगा। वला यकादु युसीहु, और उसे ऐसा महसूस होगा कि वो उसे हलक से उतार नहीं सकेगा। आदमी जब कोई साफ पानी पीता है, ठंडा पानी खुशगवार तरीके से पी लेता है, इसको कहते हैं इसागत। युसीहुल मा का मतलब कि एक आदमी पानी पी ले और सहूलत के साथ पी ले। यहाँ फरमाया जा रहा है कि अहले जहन्नम को जो पानी दिया जाएगा खोलता हुआ होगा, पीप वाला बदबूदार होगा, तो अब उन्हें घूंढ घूंढ करके पीना पड़ेगा। जाहिर है कि उसको पीना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन वो उसको पीने पर मजबूर होंगे और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हम तो इसको हलक से उतार ही नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें एक एक घूंढ करके वो पानी गोया के हलक से नीचे उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उसके सिवा कोई और चारेकार ही नहीं होगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की कुछ सजाओं का जिक्र किया है कि एक सज़ा ये है कि उन्हें इस तरह का पानी दिया जाएगा, और जहन्नम के मुख्तलिफ सजाएं हैं उनके लिए। अब आयत के अगले हिस्से में जहन्नम के उमूमी माहौल का बयान, कि जहन्नम का माहौल ऐसा होगा, सजाएं ऐसी होंगी कि जहन्नमी को चारों तरफ मौत ही नजर आएगी। इन अल्फाज में जहन्नम का पूरा नक्शा अल्लाह ने बयान कर दिया कि जहन्नमी ऐसा महसूस करेगा कि मेरे लिए तो हर तरफ मौत ही मौत है, चारों तरफ, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर तरफ आग की लिपटें होंगी, हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के दुख भरे और दर्द वाले अजाब होंगे, तो चारों तरफ उसको मौत नजर आएगी। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो मौत का जायका चक्कर फानी हो जाएगा, बल्कि मौत तो नजर आएगी लेकिन मरेगा नहीं। उसी का जिक्र है, वह यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी। वह मा हुआ भी मैयत, मगर वो मरेगा नहीं। जब अल्लाह ताला अहले जन्नत को जन्नत भेज देगा और अहले जहन्नम को जहन्नम भेज देगा, अब उसके बाद जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और उसे ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नतियों और जहन्नमियों को पैगाम दिया जाएगा कि अब जो आदमी जिस हालत पर है तो वो उसी हालत पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आदमी जब इस हमेशगी के बारे में सोचता है तो उसके तसव्वुर में भी नहीं आता कि वो हमेशगी कैसी होगी, लेकिन बहरहाल वो हमेशा की ज़िंदगी है जिसके लिए फना नहीं है, जिसके लिए इख्तिताम नहीं है। इसलिए फरमाया कि उन्हें मौत तो नज़र आ रही होगी, मौत से बढ़कर तकलीफ़ उनको होगी, लेकिन उनको मौत आएगी नहीं, क्योंकि मौत आने के बाद तो मामला ख़त्म हो जाता है। कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि अहले जहन्नम आग से जलने की वजह से अपनी जिल्द से महरूम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला उस पर नई जिल्द चढ़ा देगा। चुनाचे हर दफ़ा उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे हमारी खाल जल रही है। खाल जलने का की जो तकलीफ़ होती है, इंसान उसका सामना भी नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा खाल जलने के बाद नए सिरे से खाल आ जाएगी, फिर नए सिरे से खाल आ जाएगी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको सज़ा से दोचार किया जाएगा। उन लोगों को जो दुनिया में फिरौन बने फिरते थे, जो दुनिया में ये कहते थे कि बस हम ही हैं, हमारे सिवा तो कोई और नहीं है, जो लोग दुनिया में आजजी के साथ रहते हैं, अल्लाह के सामने तौबा तायब रहते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जब गुनाह करते हैं तो तौबा कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के साए मिलेगी। वमिन वराइही अज़ाबुन ग़लीज़, और उसके आगे एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। यानी एक अजाब
और उसके बाद आने वाला अजाब पहले वाले से भी सख्त, उसके बाद पहले वाले से भी सख्त। जैसे अहले जहन्नम के लिए अहले जन्नत के लिए हर नेमत मुनफरिद होगी, हर फल का जायका अलग होगा, इसी तरीके से अहले जहन्नम के लिए हर अजाब का दुख, हर अजाब का जो दर्द है, अजियत है, वो अलग तरीके से होगी। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का पूरा नक्शा बंदों के सामने बयान कर दिया, और इसीलिए बयान किया है कि आदमी इसको पढ़े, होश के नाखून ले, अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपने आप को इस जहन्नम से बचाने की कोशिश करे। एक आदमी फिर भी अपने आप को जहन्नम से नहीं बचाता और नाफरमानी पर डटा रहता है, शैतान के रास्ते पर चलता है, तो फिर वो अपने नुकसान का खुद ही जिम्मेदार है।